सटा और मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने की आवाज बुलंद हो गई। इस मांग को पूरा कराने के लिए मुंबा देवी के 128 बेटों को पुलिस की गोली से अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य वजूद में आया और बंबई उसकी राजधानी बनी। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि रिलायंस की बिजली से बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं और दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने 50% का डिस्काउंट दिया है, यानी आम आदमी की जो कमर टूट रही थी उसको उन्होंने संभालने का काम किया है, सहारा देने का काम किया है। और यही कारण है कि दिल्ली की जो आवाज़ है, दिल्ली की जो हवा है, मुंबई में भी लोग महसूस करना चाहते हैं। और हम आज बात करेंगे गोरेगांव वेस्ट में प्रेम नगर इलाके से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस की बिजली हो या टाटा की बिजली हो, उसको लेकर किस तरह के सवाल हैं इनके मन में और कितनी समस्याएँ हैं। प्रमोद जी, अभी टाटा और रिलायंस का जो बिजली हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप एक उपभोक्ता के नाते क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दूसरे की बात छोड़िए, हमारे ऊपर लागू होता है। हमारे घर की बिजली कुछ दिन पहले जो है 70 रुपये आता था। एक ट्यूबलाइट, एक फैन, एक टीवी चलता था, 70 रुपये महीने का आता था। आज मेरे घर का लाइट बिल 650 रुपये आता है। वही लाइट, वही फैन, वही टीवी, वही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हमने किया, लेकिन 650 रुपये बिल आ रहा है। अगर हमारे घर का ऐसा बिल आ रहा है तो सबकी परेशानी हुई है, सबका बिल वही आएगा। और रिलायंस कंपनी जो है ना, ये चोर कंपनी है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी पहले क्या था? कुछ नहीं था। ये जो है, ये लाइट की देन है, जो कि आज इतने बड़े जो है, बहुत बड़े अरबपति करोड़पति हो गए। और अब दूसरी बात छोड़िए, सबका छोड़िए, अनिल अंबानी का, ये जो धीरू भाई अंबानी का जो हॉस्पिटल है, क्या नाम इसका, कोकिला बेन हॉस्पिटल है, यहाँ पे खुद टाटा का यूज करते हैं। टाटा भी फ्रॉड कंपनी है, टाटा भी जो है लाइट बिल ज़्यादा आता है, लेकिन रिलायंस से थोड़ा कम आता है टाटा का। सोचो, ये जनता के साथ, हम गरीब आदमियों के साथ, आम जनता के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। और ये यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, कांग्रेस सरकार, जो बहुत बड़ी निकम्मी सरकार है। स्टेट में कांग्रेस सरकार है और यहाँ लोकल में शिवसेना, बीजेपी है, ये सब निकम्मी सरकार है। इन लोग को ये सत्ता चलाने का कोई अधिकार है ही नहीं। और देखिए, नया पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी दिल्ली में आए, सबकी हवा गुल कर दिए। कांग्रेस की तो कांग्रेस तो चौचित्ता पलट गई, लेकिन बीजेपी भी चौचित्ता पलट गई, उनके भी तम्बू में बम्बू चले गया है। तो अभी अरविंद केजरीवाल आज नया नया आकर के, और खजाना खाली, फिर भी नया नया आकर के अगर 50% बिजली कम करा सकते हैं, तो ये सरकार जो सत्ता में है तो कम करा सकती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जब कर दे, तब हम लोग के लिए तो शायद सही हो जाएगा। वाकई जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है तो आम आदमी के मन में बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने वही किया है जिसने जो उन्होंने वादा किया था। अगर हम सरकार की इच्छा शक्ति की बात करें तो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और आपको लगता है कि रिलायंस की जो बिजली दर है उसमें कमी आएगी? ऐसा है कि जब सरकार चाहेगी तो कमी आएगी। हाँ, यहाँ पे हमारे गरीब भाई रहते हैं, उत्तर प्रदेश से चल के आए, यहाँ पे कंपनी चलाते हैं, यहाँ पे जो है कि गरीब भाई रहते हैं हमारे। और यहाँ पे पहले कितना कम बिजली बिल जो है कि आता था, अभी दुगुना तिगुना आ रहा है। कंपनी वाले हमारे भाई लोग गरीब आदमी हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, वो 1000-1500 रुपया बिल आता था, अभी 5000-5000 रुपया, 10000 रुपया महीने का बिल आ रहा है। वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, वो कैसे बिल भरेंगे? और ये सरकार जो यहाँ पे सत्ताधारी सरकार है, यहाँ पे वोट के समय जो है कि आती है, यहाँ पे बड़े बड़े वादा करती है कि हम बिजली कम कर देंगे, पानी का बिल कम कर देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद, जाने के बाद भूल जाती है गरीबों की बातों के, कि हम क्या कह के आए हैं, कि वोट लिए हैं, वोट लेने के बाद भूल जाती है। और ऐसी ऐसी समस्याएं यहाँ पे हैं कि अभी आप, हम गरीब आदमी जो है कि यहाँ पे जीने के लिए मुहाल हो गए हैं, जो है कि टाटा का हो चाहे रिलायंस का हो, कोई भी बिजली हो, यहाँ पे इतना महंगी हो गया है कि बिल भरने के लिए यहाँ पे बहुत सा जैसे परेशानी हो गया है, कैसे क्या कमाएं, क्या हम भरेंगे जो बिजली हो। तो वाकई एक ऑप्शन के तौर पर देखा गया था रिलायंस के सामने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को, और टाटा इलेक्ट्रिक जो है उसको लेकर भी काफ़ी सारी जो संभावनाएं थी उसमें भी लगातार कमी आ रही है, क्योंकि महंगाई
टाटा का भी जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि बिजली बिल के वजह से कितनी परेशानी होती है। बिजली बिल से बहुत परेशानी हो रही है, अभी तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ से बंद करके अब भाग जाना पड़ेगा गाँव, क्योंकि बिजली बिल भरने भर का पैसा नहीं हो पाता है तो हम लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे। रही बात पानी बिल का, जहाँ 300 रुपया पानी का बिल आ रहा था, आज 900 रुपया पानी का बिल आ रहा है एक मीटर के ऊपर, तो हम आम जनता कैसे रहेगी यहाँ पे। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने दिल्ली में उम्मीद दिखाई है, आपको लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार से ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी, हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आए। मुंबई में भी लोग चाहते हैं कि आम आदमी की पार्टी आए, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि एक ऑप्शन के तौर पर सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में रास्ता दिखाया है, नई सुविधाएं दी है, उसको लेकर काफ़ी आपसे जानना चाहेंगे, बिजली की जो महंगाई है उससे आप कितने परेशान हैं? बहुत परेशान हैं, बहुत। आपको, आपके यहाँ कौन सी बिजली यूज़ होती है? रिलायंस। कितने महीना आता है? 800, 700, 850 ऐसा आता है, पहले 420 आता था और 40 रुपये आता था महीने का, 70 रुपये आता था, ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। तो वाकई जिस तरह से एक आम आदमी भरोसा करता है कि बिजली बिल फिक्स होगा, महंगाई लगातार उसको कहीं ना कहीं से परेशान कर रही है, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, आप बताइए रिलायंस की जो गतिविधि चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? गतिविधि तो उसका बहुत बेकार है, हमारा छोटा मोटा एक कंपनी है, पहले 500-600 आता था, अभी 1500-2000 आ रहा है, पिछले महीने हम भर भी नहीं पाए, उसका मीटर भी काट के ले गए, अभी इतना परेशान है कि हम क्या बताएं रिलायंस के विषय में, और कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन टाटा भी ऑप्शन है, कभी टाटा का यूज़ करने की कोशिश की आपने? नहीं, यूज़ तो नहीं किया, लेकिन उसका बिल कम आता है। हाँ, सोच रहे हैं कि भाई अगर कोई मिल गया तो हिसाब से उसका भी लगा सकते हैं, और क्या बोलो। ये प्रेमनगर में हम काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलायंस की जो महंगाई है उससे कितने आहत हैं ये लोग, और ज़्यादातर लोग आक्रोशित हैं क्योंकि उनका जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आप कितने परेशान हैं बिजली बिल की महंगाई को लेकर? बहुत ही परेशान है रिलायंस के जो लोग हैं, मतलब इनका बिल बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग के स्टूडेंट के लिए पढ़ने और लिखने के लिए बहुत ही समस्या हो रही है, जो कि पहले मतलब 400-500 से आता था बिल, अभी कम से कम 1000 या 1200 रुपये हो गया, तो बहुत ही परेशानी हम लोग। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन घर के बाकी जो खर्चे हैं उस पर कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, सब चीज़ महंगा हो गया है, सब जहाँ 1 रुपये जो सामान मिलता था सीधा 5 रुपये हो गया है, फर्क इतना है। तो इसके आगे अभी मैं और क्या बोल सकते हैं, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि अभी यहाँ पर रहना भारी गिर रहा है। मुंबई एक बहुत ही आर्थिक राजधानी कही जाती है, बहुत विकास की बातें होती है यहाँ पर, लेकिन आम आदमी जो मुंबई के विकास में बहुत भारी योगदान निभाता है उसके मन में भी काफ़ी सारी शंकाएं हैं, सरकार को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सरकार को तो हम यही देंगे कि भाई यहाँ कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी बनी है केजरीवाल जैसा, दिल्ली में आधा कर दिया है और कॉलेज का डोनेशन भी कम कर दिया है, वैसा यहाँ भी करना चाहिए, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार दिल्ली से यहाँ तक की भी है, उसको करना चाहिए, और क्या बोलें बताओ। तो जनता के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं महंगाई को कहीं ना कहीं से कम करने की, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मैं जो सजेशन देना चाहता हूं कि सरकार ने जो वादा करके गई है उस पर खरा उतरे सरकार, और जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के बाद जो जो वादा किया था उस वादे पर खरा उतरा, वैसे यहाँ पे सरकार को, सत्ताधारी जो सरकार है यहाँ पे उसको भी खरा उतरना चाहिए। अभी कहीं कहीं जो है कि जो यहाँ के लोग हैं सत्ताधारी जो है कि अरविंद केजरीवाल को देख करके यहाँ पे भी वो लोग नकल कर रहे हैं, जगह जगह जो है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिजली जो है कि कम करो तो हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये खाई दिखावा है, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, खाई दिखावा है, पब्लिक को दिखा करके खाली ये लोग जो है कि उल्लू बना रहे हैं और ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ऐसा है। आपको लग रहा है कि वाकई सरकार की तरफ से आम आदमी की जो भावनाएं हैं उसको समझा नहीं जा रहा है, और आपके मन में कोई सवाल है सरकार को लेकर, महंगाई को लेकर, खासकर रिलायंस को लेकर? हाँ, खासकर तौर पर लेकर रिलायंस की, तो जहाँ तक देखा जाए कि यहाँ पे कंपनी का रिलायंस LF1 2 और घर के लिए LF1 होता जाता है, यहाँ पर देखा जाए तो महंगाई के हिसाब से LF2 और LF1 का एक ही बिल आता है और एक ही मीटर के हिसाब से आता है, तो हम कैसे मान लें कि हमारा LF1 घर पर जो रहता है और कंपनी का अलग आता है बिल, यहाँ पे कंपनी वाले परेशान है और घर वाले भी परेशान है, इसका कोई मतलब महंगाई के हिसाब से रिलायंस वाले का जो बिल आता है पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके लिए हमारे, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ते हुए हम लोग के माँ बाप तो पढ़ा नहीं पाते हैं, प्लस लाइट बिल जितना परेशान थे भरने के लिए,
इसके लिए हम कहेंगे। तो आपको लगता है कि रिलायंस ने जिस तरह से महंगाई कर दी है उसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? हाँ सही बात है, क्योंकि महंगाई की वजह से हम लोग का लाइट भी भरना पड़ता है, खाने का नहीं रहेगा चलेगा, लाइट भी भरना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम महंगाई से बहुत परेशान है, महंगाई से आगे इसके लिए हम यही कहेंगे कि जो दिल्ली की आम जनता की सरकार है वो मुंबई में आके हमारे प्रेम नगर खफ्ते पे आकर ये सब किया जा सकता है। सर तो साफ अगर हम यहाँ के लोगों की भावनाओं की अगर बात समझने की कोशिश करें तो ये बदलाव चाहते हैं क्योंकि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो वाकई आपको लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की तस्वीर बदलेगी? देखिए थर्ड फ्रंट आएगा तभी तस्वीर बदलेगी, और ये जितने सत्ताधारी पक्ष है ये शिवसेना कांग्रेस बीजेपी कोई ये लोग अभी कुछ किए नहीं और करेंगे भी नहीं। अभी पहले कांग्रेस सरकार जब इसके पहले सरकार आने वाले चुनाव था, चुनाव के टाइम बोली थी कि 2000 तक के झोपड़ों को हम मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, मान्यता दे देंगे और आप लोग जो है हमको वोट दीजिए। लेकिन वोट लेने के बाद सत्ता में आने के बाद लाखों झोपड़े तोड़े गए, लाखों झोपड़े तोड़े गए, उन लोग को पानी नहीं दिया जाता और 2000 तक का लीगलाइज अभी तक हुआ नहीं है। तो ये कांग्रेस सरकार है, निकम्मी सरकार है, ये अभी थर्ड फ्रंट की बहुत जरूरत है, थर्ड फ्रंट अभी आएगा सब आम जनता को सब कुछ समझ में आएगा। थर्ड फ्रंट मतलब कि आम आदमी पार्टी की थर्ड फ्रंट देखिए बोल नहीं सकते आम आदमी पार्टी आएगी कौन आएगी, लेकिन थर्ड फ्रंट आएगा, थर्ड फ्रंट आना चाहिए। अभी सब जनता के समझ में आ गया, सभी जनता के समझ में आ गया कि अभी क्या होना चाहिए। यही तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यही लोग आज 50 साल से राज यही लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो जो भी सरकार आएगी आपको लगता है कि वाकई गारंटी देगी इस बात की? अभी गारंटी क्या, अभी देखिए अभी अगर देखेंगे तो सब कोई ऐसा वादा करते कोई पूरा करते नहीं है, लेकिन अभी बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हिसाब से अभी जो बोले थे आज तक वही एक ऐसा लीडर निकला, नेता निकला जो कि बोला है और अपना वादा पूरा करना चालू कर दिया है, बैठा तभी से जो है वादा पूरा करना चालू कर दिया है। अभी तक तो कोई पार्टी ने ऐसा किया नहीं है, अभी देखेंगे आगे क्या होता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा है, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे विकास को लेकर, देश की तस्वीर को लेकर, रिलायंस की बिजली को लेकर क्या सोचते हैं आप? मेरा बिल तो पहले 200-300 रुपये आता था, अब वो घर में मेरा लाइट बिल फ्रीज टीवी सब जिससे हुई कि चल रहा है, लेकिन मेरा बिल 1600-1800-1900-2000 के आसपास में आ रहा है। तो इससे हम लोग बहुत परेशान हैं, जो भी कमाई हम लोग करते हैं काम धंधा करते, जो भी सैलरी पगार हमारा महीने का आता है पूरा लाइट बिल में चले जाता है पूरा। तो हम इससे परेशान है, घर का खर्चा पूरा करें कि लाइट बिल भरे, और हमारा सैलरी भी उतना ही है, कुछ बढ़ा नहीं है कुछ नहीं। लेकिन अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो एक ऑप्शन के तौर पर टाटा बिजली है, टाटा की बिजली से कभी आपने लेने की कोशिश की? टाटा की लेने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों से राय मशवरा किया तो टाटा का बिल उतने यार 19-20 का कुछ फर्क है, रिलायंस का 400 आ रहा है तो टाटा का 300-350 आ रहा है, तो इसलिए फिर सोचा नहीं मैंने, फिर बोला रिलायंस से रहने दो, इसी को झेलते हैं अपन। बिल्कुल इसी को झेलते हैं अपन, यानी मुंबईया भाषा में रिलायंस की जो महंगाई है उससे ऑप्शन पाने का एक तरीका था, छुटकारा पाने का तरीका था कि टाटा के पास जाए, लेकिन टाटा भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं दे रही है, तो टाटा पर कैसे यकीन करें? कोई यकीन नहीं है, बिल तो लगभग सेम आ रहा है, क्योंकि बाजू में दो एक जन लगाए हुए हैं उनका भी बिल वही आ रहा है, तो कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। और निश्चित रूप से अगर चुनाव आने वाले होंगे तो सरकार के बारे में कोई ना कोई जो राय है अपने मत के जरिए देंगे, अभी चुनाव भी आने वाला है तो अभी नहीं लगता कि बहुत सारे आश्वासन देने वाले लोग आएंगे आपके पास? फिर आश्वासन वो देंगे, फिर जो आश्वासन दे के वो गए हैं फिर आश्वासन वही वो लोग देंगे और वोट लेके चले जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। वो तो आश्वासन बहुत बड़े बड़े देते हैं कि हम पानी बिल कम करेंगे, लाइट बिल कम करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करेंगे, खाली पब्लिक को जो है कि उल्लू बना के वोट लेके चले जाते हैं। जाने के बाद आज तक जब से यहाँ से खासदार जीत के गया आज तक यहाँ पे प्रेमनगर के गोरेगांव एरिया में दिखाई नहीं पड़ा तक कि जिस पब्लिक का मैंने वोट लेके गया है आज यहाँ पे क्या दुर्दशा, कैसे वो लोग जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आज तक कभी जो है कि यहाँ पे आके वो लोग निगरानी नहीं किए और कभी नहीं वो लोग यहाँ पे जो है कि आए। ये जो भरोसा तो नेता जब वादा करते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं तो कितना भरोसा टूटता है, कितनी तकलीफ होती है एक मतदाता के हिसाब से? सर मतदाता के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का वोटिंग के हिसाब से बहुत सारे पब्लिक आती है, वादा करती है, शासन करती है और जब वोट ले जाती है फिर उसका भरोसा से उड़ जाता है, क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है उसके ऊपर होता है। हम लोग क्या है, गरीब लोग हैं, आश्वासन देती है, लालच देती है, करके दे देते हैं कि हाँ भाई वादा करके हमारा ये एरिया में प्रेमनगर में उन्नति होगी, विकास होगा, तो होता कुछ भी नहीं है। ये होता है कि सब महंगाई के अनुसार से हम लोग खराब हो जाते हैं और लोग अपनी मजाएँ मारते हैं। अभी देखा जाए तो आपने अभी सुना है कि 3 लाख रुपये में नेताजी लोग साइकिल चला चल रहे हैं और हम लोग आम जनता वाले जो कि 2000-3000 का साइकिल चलाते करते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, बिगड़ जाती है तो बनाने मुश्किल कर ले हम लोग करते हैं। अभी भाई ने बोले हैं कि हम लोग सैलरी होता है कम हो जाता है, लाइट भी हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो वजह यही है कि महंगाई हमारे हिसाब से जो होता है, महंगाई के हिसाब से हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम लोग जाते हैं और बाकी जो लोग होते हैं
घुसपैठियों लोग उसमें आगे बढ़ चल जाते हैं, तो हम लोग में कुछ होता नहीं, हम लोग कुछ विकास भी नहीं होता है। इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि महंगाई देखा जाए तो दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, आम जनता की सरकार है, आम पार्टी है, जहाँ तक उम्मीद है कि मुंबई में भी आए और थोड़ा हम लोग राहत करें। तो अगर अरविंद केजरीवाल लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उस पर खरे उतरते हैं तो उनका जनाधार बढ़ता है, लेकिन महाराष्ट्र में भी बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी है, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब बिजली बिल महंगा होता है तो कितनी तकलीफ होती है? सर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, हम लोग को पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता है और प्लस उसके बाद लाइट बिल ज़्यादा आता है। और आने वक्त में जो अरविंद केजरीवाल ने आए हैं आम आदमी पार्टी की वजह से, वो अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और ऐसे सरकार आने की वजह से हमारे लोग के भविष्य के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल को होना चाहिए, और जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। मैं तो जानता हूं कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल हर एक नेता जैसा पैदा हो तो हमारे धरती का बोझ भी बहुत हल्का हो जाएगा, और ऐसे नेता लोग हम तो मनाते हैं कि बार बार कि इस धरती पर पैदा हों और ऐसे जनता को अच्छी खासी सुविधा दें। इस देश में अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता पैदा होता है तो लोगों में उम्मीद बढ़ती है, और अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ बनती है तो आपको लगता है वाकई बदलाव आएगा? आएगा बदलाव, बदलाव करेगा, उसके माथे पे लिखा है वो कुछ करेगा, वो कुछ करने को चाहता है, लेकिन ऐसी ऐसी पार्टियाँ हैं कि वो जो अच्छाइयाँ कर रहा है जो है कि उस पर जो है कि वो लोग बुराई कर रहे हैं, वो उसे आशा है कि अगर वो आएगा तो कुछ ना कुछ वो करेगा। आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस की महंगाई से, हर आदमी परेशान हो गया है, टाटा भी उपलब्ध है ऑप्शन, आप रिलायंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिलायंस बिल बहुत ज़्यादा भेज रहा है सबको, जो है बिल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के भेज रहा है, जब से रिलायंस आया है सब लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन टाटा एक ऑप्शन है, टाटा कभी आपने लेने की कोशिश की? टाटा तो अभी लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन यह भी सुना जा रहा है कि टाटा भी कोई खास कम नहीं भेज रहा है, लगभग उसका भी उसी के हिसाब से भेज रहा है, इसके लिए टाटा भी कोई जोर नहीं दे रहा है, क्योंकि टाटा अगर आ रहा है तो भी इसको रिपेयरिंग करने के लिए उसी को देता है, तो फिर फायदा क्या टाटा को लेके? अगर वो खुद उसके आदमी आए करने के लिए वो काम तो फिर फायदा है, नहीं तो रिलायंस को ही दोबारा बुलाता है, तो फिर इसके लिए जो है रिलायंस महंगाई अपने आप कर ही दे रहा है। रिलायंस को लेकर एक विश्वसनीयता जो बनी हुई थी उसमें भी काफ़ी कमी आई है, मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत है टाइम पे नहीं हो पाई, तो आपको लगता है कि वाकई रिलायंस के खिलाफ आपके मन में आक्रोश बढ़ा है? रिलायंस के खिलाफ आक्रोश तो बढ़ेगा ही, अभी ये लोग गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, और अभी देखिए हम अभी सभी जनता से अपील कर रहे हैं कि अभी हमारे साथ, अभी अभी एक हफ्ते 10 दिन तक डिसाइड करने वाला हूँ, गोरेगांव का रिलायंस जो ऑफिस है इसका घेराव करेंगे हम, और सभी जनता से अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी हर अपने अपने एरिया में जहाँ पे रिलायंस का ऑफिस सब घेराव करो, और सबसे अपील कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से, कोई भी आज के बाद लाइट बिल नहीं भरेगा जब तक 50% कम नहीं होता, तब तक लाइट बिल मत भरो। कितने लोग हैं जो लाइट बिल नहीं भरेंगे आने वाले दिनों में, बताइए, महंगाई से त्रस्त होकर कितने लोग लाइट बिल नहीं भरेंगे? तो वाकई अगर हम इनको देखने की कोशिश करें तो इनका सिर्फ यही मानना है कि जिस तरह से लगातार महंगाई ने परेशान कर रखा है, कमर टूटी जा रही है, उसके बाद अगर अगला बिल आएगा तो नहीं भरेंगे। आपको नहीं लगता कि रिलायंस वाले आके काट देंगे तो कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी होता है अगर बिल नहीं भरते हैं, रिलायंस वाला आता है काट देता है, मीटर उखाड़ ले जाता है, तो बहुत परेशानी होता है। अगर कंपनी वाले हैं 4 दिन 10 दिन बंद हो गया तो उनका कितना नुकसान हो जाता है, हैं, लेकिन इसके लिए कोई आगे आने वाला नहीं है, वो गरीब आदमी कहीं भी से कर्जा लेके कुछ भी लेके बिल भरता है, फिर जो है कि ला करके अपना मीटर जोड़ता है, हैं, और यहाँ के जो भी सत्ताधारी हैं उन लोग को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी हमारे ऐसे मर रहे हैं तो उस विषय में कुछ भी निर्णय करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सोचता उसके विषय में। अगर आपसे हम जानने की कोशिश करें कि अगर रिलायंस वाले आप बिल नहीं भरेंगे तो रिलायंस वाले काटेंगे ही, तब क्या स्थिति होगी आपकी, क्या करेंगे फिर? तो रिलायंस वाले जब बिल काटेंगे तो तकलीफ होगी, इसके लिए सब परेशान होकर भरना चाहते हैं, लेकिन सबका दिल है कि अगर इतना ही बिल बढ़ा के दे रहा है तो कोई ना भरें, लेकिन क्या उसका कोई अगर सपोर्ट देगा, कोई अगर सपोर्ट देगा तो हम नहीं भरेंगे तो वो कम कर सकता है, लेकिन जब वो कम हम जो बिल काट दो लाइट काट देगा तो फिर हम लोग परेशान होंगे, परेशान होने के बाद भी भरना ही पड़ता है। बिल्कुल, इसके लिए सपोर्ट देने के लिए कोई सामने आना चाहिए, सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये कहना बहुत आसान होता है कि हम बिल नहीं भरेंगे, लेकिन अगर हम देखें इसका निदान और क्या ऑप्शन हो सकता है, अगर सबका कट जाएगा तो आप क्या करेंगे? देखिए संगठन में शक्ति होती है, आम जनता है, जनता ऐसी है ना, किसी को जमीन पर गिरा दे किसी को आसमान बिठा दे, अगर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बना सब जनता ही बनाई है,
तो हम जनता से अपील करते हैं कि कोई लाइट बिल मत भरो, और जब एरिया में अगर कोई आता है काटने वाला तो उसको पकड़ के उसकी धुलाई करो। पुलिस स्टेशन हम देख लेंगे। और मैं दावा के साथ सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमको जो बुलाएगा हम वहाँ आने को तैयार हैं। जिसका लाइट मीटर कटेगा, जिसका लाइट कनेक्शन कटेगा, हम आकर के ज्वाइन करेंगे। हम ये दावा कर रहे हैं और सबको जो है आश्वासन दे रहा हूँ, जिसका मीटर कटेगा बंद होगा हम आके ज्वाइन करेंगे। भले हमको जेल जाना पड़ेगा चलेगा, लेकिन ये आम जनता के पीछे हमको कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। आम जनता के नाम पर इस देश में लगातार राजनीति होती है और आम आदमी को कई बार पता भी नहीं चलता कि राजनीति हो रही है। आपको नहीं लगता कि राजनीति जब होती है तो आम आदमी को परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। और पानी, खास करके पानी का बिल जो है कि जहां हम लोग का 300 रुपया आ रहा था, आज 900 रुपया पानी का बिल का मीटर आ रहा है, तो इससे हम लोग को बहुत परेशानी है। लाइट से और पानी से बहुत तकलीफ है। अगर हम आंदोलन की बात करें प्रमोद जी, तो कितना फर्क पड़ता है आंदोलन से? वाकई सरकार की कान खुलती है आंदोलन से? अभी आंदोलन करेंगे तो कान तो खुलेगा ही। अभी सरकार को लगेगा कि आंदोलन हो रहा है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक क्या हो सकता है मूड बदल जाए, अगली सरकार हमारी न बने। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये दोनों परेशान है एकदम। मनमोहन सरकार परेशान है, हर एक सभी परेशान है। कभी जो है चार स्टेट में हमारी सरकार गई, जो अभी ऐसो आराम से सो रहे थे, आज नींद उड़ गई सोनिया गांधी की। वो इटली से आई है, यहाँ इंडिया में राज कर रही है, उसकी नींद उड़ चुकी है। अच्छा, कई कांग्रेस के जो नेता है कई बार देखा गया है, चाहे वो मुंबई के अगर सांसद हम संजय रूपम की बात करें, तो वो भी आम आदमी के की तरह ही सरकार को खत लिखते हैं कि बिजली की जो दर है वो कम हो। तो इसमें पॉलिटिक्स देखें या फिर आम आदमी की भलाई? ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। और ये तो सर में आनी चाहिए कांग्रेस सरकार को कि महाराष्ट्र का, मुंबई का जो है प्रवक्ता है संजय निरुपम, उन्हीं का खासदार है जो खुद उसकी उस पार्टी की बुराई कर रहा है, तो आम आदमी तो करेगा ही बुराई कर रहा है। ये राजनीति हो रही है, पब्लिक को लुभाने के चक्कर में संजय निरुपम पड़ा है। या ऐसा है, पब्लिक आने वाली आम जनता है, उनके पीछे आने वाली नहीं है कि ऐसा हम लुभाएं और एक बार मोर्चा ले लें रिलायंस पे, और ऐसा बोल देंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। अरे लेकिन प्रमोद जी, उन्होंने साफ कहा है कि हमने सरकार को चेताने की कोशिश की और आंदोलन करने की भी उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों को मुफ्त और कम, मतलब बिजली कम दर पर मिलेगा, और अब रिलायंस के खिलाफ संजय जी करने वाले आंदोलन, आपको क्या लगता है? रिलायंस के खिलाफ क्या करेंगे जब मुख्यमंत्री जो है ये सब नेता लोग का उसी में भागीदारी है। अकेले अनिल अंबानी थोड़ी खा रहा है, नेता लोग की भागीदारी है। लोग उद्घाटन कराते हैं, मिनिस्टर को बुलाते, क्यों मिनिस्टर को बुलाते हैं? मिनिस्टर का साझा रहता है उसी में। अगर मिनिस्टर का साझा नहीं रहे, उसका पार्टनरशिप उसमें ना रहे, उसका अंश उसमें नहीं रहेगा, तो मिनिस्टर तो कम करा ही देगा। चलिए, इस देश में सब्सिडी के आधार पर भी सरकारें जो है वो चलती रही हैं, और ऐसे कई लोग लुभावने वादे करते हैं, लेकिन सब्सिडी के जरिए ही पेट्रोल हो या डीजल हो या फिर LPG गैस हो, उसमें जो महंगाई होती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम सब्सिडी की बात करें तो महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार को सब्सिडी लेकर बिजली कम होनी चाहिए, आप बताइए। सरकार को सब्सिडी देखिए, अभी का जो नौ बाटला यहाँ पे किया है, ये अरविंद केजरीवाल वहाँ पे 12 कराए हैं, 12 की डिमांड किए हैं, 12 भी हो जाएगा तो भी ठीक है। और रह गया कि कांग्रेस सरकार तो ऐसा नहीं करेगी, हमको नहीं लगता। ये तो केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपके खाते में जाएगा, आधार कार्ड बना लो, ये सब कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये सब केवल पब्लिक को परेशानी है। आज डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, 25-30 रुपये का डीजल आज 62 रुपये, 62 रुपये जो है लीटर हो गया है, 62 रुपये लीटर हो गया। और पेट्रोल जो है जो कि 40-42 रुपये लीटर, बहुत हमारे जानिस्ती में 40-42 रुपये लीटर था, आज वो 70 से 75 रुपये हो गया है। तो क्या बोलेंगे, अभी जो है कांग्रेस सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं अभी। तो वाकई सरकार को लेकर जो मन में संभावनाएं होती हैं, उम्मीद होती है, उसमें लगातार कमी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सरकार जो है आम आदमी की भावनाओं को समझने में असफल रही है, और आम आदमी की जो कमर है वो महंगाई से लगातार टूटती जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप मुंबई में रहते हैं, बिजली की महंगाई से कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। पहले कितना 200-300 रुपये आता था, अब डायरेक्ट 600-700 रुपये आ रहा है। पहले कम आता था, अभी डबल ट्रिपल आ रहा है। नहीं भी रहेगा घर में, नहीं भी जलाएगा तो भी आता है उतना। ये बहुत ही अहम बात है कि अगर ये बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं उसके बावजूद भी बिल आता है, और इन बिल को देखकर इनका जो दिल है धड़क जाता है, आप ऐसा ही मानते हैं? हाँ हाँ, पहले कम आता था, अभी ज़्यादा आने लग गया। पहले रिलायंस का कम आता था, अभी ज़्यादा, अभी वो टाटा का भी बोलते हैं, टाटा का कम आया। अगर हम ऑप्शन की बात करें, आप सरकार को किस तरह सजेशन देना चाहेंगे सरकार को कि क्या होना चाहिए?
सरकार को यही दूंगा कि पब्लिक का जो भी जो वादा करते हैं वादा निभाएं और जो भी बिल इतना बढ़ाए चढ़ाए के मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है इसको कम करें और पब्लिक को राहत दें। आप सरकार को किस तरह से सजेशन देना चाहेंगे कि ताकि सरकार की नींद खुले? यहाँ पर जो है कि जो गलतियाँ हैं उसको सही करें, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। यह भी बड़ी बात है कि सरकार ने जो गलतियाँ की है उसको अगर सुधारने की दिशा में वो पहल करती है तो भी कुछ बदलाव आ सकता है। हमारे साथ लगातार लोग बने हुए हैं, प्रेम नगर से हम बात करें, रिलायंस की जो बिजली में महंगाई हुई, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई सरकार को और क्या क्या करना चाहिए? सरकार जो जो वादा करती है उस पर उसको खरा उतरना चाहिए। जो वादा करके सरकार गई है, जो सरकार वादा करके गई है उस पर उसको खरा उतरना चाहिए, वो काम करना चाहिए। जैसे पानी का वो वादा करके गई है तो उसका बिल कम करना चाहिए, इंटरनेट का बिल कम करना चाहिए, टाटा हो चाहे रिलायंस हो उसका बिल कम करना चाहिए। अगर इस आने वाले दिन में अगर कोई भी नेता आएगा यहाँ पे वोट मांगने के लिए, पहले हम मुद्दे के बात करेंगे फिर उसके हम वोट्स की बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब वक्त बदल रहा है और चुनाव में आने वाले दिनों में बहुत सारा बदलाव भी हम देख सकेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है, कोई भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे स्क्रीन पर जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है आप फ़ोन कर सकते हैं। हम हमेशा की तरह बनेंगे आपकी आवाज़, लेकिन इस समस्या को लेकर सरकार को जिस तरह से चिंतित होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए उसके अंदर, वो लगातार कमी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो गंभीरता है जागरूकता के प्रति वो लगातार बनी रहे। आज के सफर में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। हमारे कैमरामैन मुकेश के साथ मुझे यानी अरविंद राजतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग मुद्दे के साथ किसी अलग इलाके में। तब तक नमस्कार। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत, सड़कों पर तेज दौड़ती हुई गाड़ियां और अपनी मंजिल की तलाश में दौड़ते भागते लोगों के कदमों की आवाजों के बीच मुंबा माँ अपने अतीत के पन्नों को पलट रही हैं। तभी उनकी निगाह अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक गई। इस पन्ने पर 13वीं शताब्दी की दास्तां लिखी थी। इस वक्त आज का मुंबई गुजरात की सल्तनत में शामिल था। वक्त बीतता गया, हालात ने करवट बदली। 1543 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप छीन लिया। और पहली बार इस द्वीप का नाम अच्छी खाड़ी यानी बम्बहिया रखा गया, जो कि बाद में बम्बई में तब्दील हो गया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, जिनको ये इलाका दहेज में दे दिया गया। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी को आज के सबसे महंगे शहर बम्बई को सिर्फ 10 पाउंड के पट्टे पर दे दिया गया। इस शहर की तकदीर तभी अचानक चमक गई जब स्वेज नहर के खुलने के बाद ये शहर अरब सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। और अगले 30 साल में ये शहर पूरे देश के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में उभर कर सामने आने लगा। इस दौरान देश में आजादी का इंकलाब शुरू हो चुका था।